प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। पिछले एक महीने से बार बार कई लोग मुझे संदेश देते आए हैं कि ब्रदर, कई महीनों से मन में बड़ी बेचैनी है, तमाम तरह की बेचैनी है, और आपका संदेश सुना तब से नियमित रूप से YouTube पर आपका संदेश यह सोच कर सुनते हैं कि उसके द्वारा कुछ तसल्ली मिल जाए, कुछ शांति मिल जाए, जीवन में परमेश्वर से क्षमा का यकीन हो जाए। सामान्यतया इस तरह के लेटर आते रहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि प्रभु इन संदेशों को, जो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको YouTube पर पोस्ट करने पर कई लोगों को अनुग्रह दे रहे हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते में ये इस तरह के पत्र बहुत ज्यादा हो गए हैं। लोग बार बार ये बात याद दिलाते हैं कि इन संदेशों को वे इस उम्मीद के साथ सुनते हैं कि उनके जीवन में कुछ तसल्ली मिले, कुछ आराम मिले। इससे ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हम पिछले 14 महीनों में तमाम तरह के संघर्षों से होकर गुजरने के कारण, और जो महामारी हमारे चारों तरफ है उसके कारण, अब काफी परेशान हो गए हैं। नौकरी नहीं है, इनकम नहीं है, परिवार में जब सब सुबह से शाम तक एक दूसरे का मुंह देखते हुए बैठते हैं क्योंकि क्लोज टाउन है, तो आपस में तमाम तरह के टेंशन होते हैं, परेशानियां होती हैं। इसके अलावा भी कई लोग मुझे लिखते हैं कि मेरे जीवन में फलानी 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 समस्याएं हैं, फलाने दर्द हैं, मेरी मदद कीजिए। जिन लोगों ने मुझे इस तरह से लिखा है उनमें कई लोग आज इस सभा में भी उपस्थित हैं। मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, परमेश्वर ने मनुष्य को दर्द सहने के लिए नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को इस संसार में रहकर आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य की सृष्टि की है। लेकिन यदि हमारे जीवन में परमेश्वर जो देना चाहते हैं वो नहीं है, तो हमारी भी गलती हो सकती है, गलती दूसरे की भी हो सकती है। काइन और हाबिल के बारे में हम देखते हैं, हाबिल की हत्या कर दी गई, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती काइन की थी, लेकिन उसका दर्द हाबिल को भुगतना पड़ा। तो आज इस बात की संभावना है कि जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो महामारी के कारण दुख में है, रोजी रोटी ना होने के कारण दुख में है, गैरों के द्वारा सताए जाने के कारण दुख में है। उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु के पास इन सब का हल है। प्रभु का जो वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो चरवाहा हर बात में आपकी मदद के लिए तैयार है। और इस कारण यदि आपको लगता है कि मेरे संदेशों से आपको जीवन में काफी तसल्ली मिलती है, तो नियमित रूप से उसको सुनते रहें। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इन संदेशों के द्वारा लोगों के जीवन में तसल्ली दें। इसके साथ एक चीज और मैं आज बताना भी चाहता हूं, अनुरोध भी करना चाहता हूं। इस पूरे हफ्ते आप में से कई लोगों ने मुझे WhatsApp पर संदेश भेजा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे 5 मिनट
दे दीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी समस्या आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने शिविर से कहा था मेरा व्हाट्सएप नंबर पोस्ट कर दें। मेरा एक अनुरोध है, किसी भी व्यक्ति का 5 मिनट कभी भी 5 मिनट नहीं होता है। एक बार मनुष्य बात करने लगता है, अपने दुख दर्द को दूसरे व्यक्ति के सामने उंडेलना शुरू करता है, तो 5 का 50 हो जाता है। इस कारण डायरेक्टली मुझसे ये अनुरोध ना करें कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा समय लेकर अपनी पूरी समस्या व्हाट्सएप पर लिखिए। मैं अंग्रेजी समझता हूँ, हिंदी समझता हूँ, मलयालम समझता हूँ, इसके अलावा किसी और भाषा में यदि आप लिखते हैं तो अब मेरे पास अनुवाद की सुविधा है, जिसके द्वारा मैं तुरंत अनुवाद करके आपका संदेश समझ सकता हूँ। इसलिए हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि मुझे फोन के लिए समय देने को ना बोलें। आपकी जो भी समस्या है, मैं जानने के लिए, पढ़ने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजिए। आज सुबह की ही बात मैं आपको बताऊं, मेरी मंडली से एक भाई ने 5 मिनट के लिए मुझे बुलाया। चूंकि मेरी मंडली के बहुत महत्वपूर्ण भाई हैं, जिनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर काम करता हूं, तो वो 5 मिनट मैंने उनको दिए। और सुबह मुझे बहुत जरूरी लेखन कार्य था, इसलिए मैंने उनको 5 मिनट दिया और पूरे 35 मिनट के बाद उनका 5 मिनट खत्म हुआ। तो इस कारण फिर से मेरा अनुरोध है, 5 मिनट कभी भी 5 नहीं होता है। 5 मिनट में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या किसी को भी नहीं बता सकता है। आपके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। यदि आपको लगता है कि मैं प्रार्थना करूं तब आपको तसल्ली मिलेगी, तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। मैं आपका नाम डायरी में लिख के रखूंगा, आपके लिए नियमित रूप से प्रार्थना करूंगा, लेकिन अनुरोध यह है कि व्हाट्सएप से संदेश भेजें। प्रभु से मेरी विनती है कि मेरे संदेशों के द्वारा और मेरी प्रार्थना के द्वारा, और आप मुझे जो संदेश भेजेंगे या जो प्रश्न भेजेंगे उसमें मैं आपको जो परामर्श दे सकूंगा, उस परामर्श के द्वारा प्रभु आपके दिल में काम करें, आपके मन में आपको सांत्वना दे, आपको आराम दे। अब हम 10 आज्ञाओं की तरफ मुड़ते हैं। निर्गमन के 20वें अध्याय के 11वें पद तक हम आ चुके हैं, और दया करके कोई भाई या बहन इन पदों को पोस्ट ना करें, लेकिन जो रेफरेंस है उसको पोस्ट कर दें। आज हम अपना अध्ययन स्टार्ट करेंगे निर्गमन 20 के 12 से। निर्गमन 20 का 12 हम वहां ऐसा पढ़ते हैं, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। पिछले हफ्ते मैंने एक बात पर, कई बातों पर जोर दिया था, लेकिन एक बात पर खास जोर दिया था, वो यह है कि परमेश्वर का वचन क्योंकि शब्द, ये निर्गमन में क्यों, निर्गमन में क्योंकि शब्द का उपयोग करता है। क्योंकि इसके पहले वाले पद में हम देखें, क्योंकि 6 दिन में, तो प्रभु का वचन जब एक आज्ञा देता है तो उसके साथ साथ कारण भी देता चला जाता है। कुछ जगह कारण देने के बदले उस आज्ञा का जब हम पालन करते हैं, तब मेरे आपके जीवन में जो बदलाव आता है उसको बताता है। यहां हम देखते हैं अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जिसका परिणाम क्या होगा ये बताया है। तो कुछ पदों में कारण दिया हुआ है, कुछ पदों में ये बताया गया है कि इस आज्ञा को जब हम मानेंगे तब उसका क्या परिणाम होगा। इसके आधार पर मैं जितने माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं उन सब से एक बार और अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रभु का वचन जब एक आज्ञा देता है तो उस आज्ञा के पीछे एक निश्चित कारण होता है।
उस आज्ञा के पीछे जो निश्चित कारण है कई बार उस आज्ञा के साथ साथ हमको मिल जाता है। कई बार प्रभु के वचन को खोलकर अन्य जगहों पर इसी विषय के बारे में जो कहा गया है उसको पढ़ने पर कारण मिलता है। हम सबके लिए जरूरी है कि हम प्रभु के वचन में जो आज्ञाएं दी हैं उन सब का कारण जानने की कोशिश करें। ये एक कारण है जो मैं बार बार अपने श्रोताओं से अनुरोध करता हूं, मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन, जब आप प्रभु का वचन लेकर बैठते हैं तो उसके साथ निश्चित रूप से एक डायरी और एक पेन रखें। जो भी प्रकाश आपके मन में मिलता है उसको नोट डाउन करते चले जाइए। कई लोग कहते हैं कि अरे डायरी में नोट डाउन करेंगे सब ऊंचा ऊपर नीचे हो जाएगा, सब बेतरतीब हो जाएगा। मेरा सवाल यह है कि प्रभु ने आपको जो प्रकाश दिया है वो बेतरतीब ही सही, उसको आप डायरी में लिख लेते हैं तो कल को आप डायरी देख सकते हैं और एक और डायरी में उसको क्रम से लिख सकते हैं। लेकिन आप लिखेंगे ही नहीं, एक घंटे के बाद आप भूल जाएंगे। वैज्ञानिकों ने ये अनुसंधान से ये स्पष्ट किया है कि हम जो कुछ सुनते हैं उनमें से लगभग 95% 95% एक घंटे में भूल जाते हैं और एक दिन में लगभग 99% भूल जाते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं, क्योंकि आपको लगे कहीं ऐसा ना लगे कि यह तो अतिशयोक्ति है। आप में से शायद हर व्यक्ति अखबार पढ़ता है। मैं जब समय मिलता हूं तो अखबार यो पलट के देख लिया करता हूं। एक बात बताइए, कल आपने जो खबरें पढ़ी थी उनमें से कितनी खबरें आपको याद हैं? महत्वपूर्ण खबरें भी याद नहीं रहती हैं। परमेश्वर के वचन का जब हम अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन पर जब हम मनन करते हैं, तो इसी तरह से 99% चीजें अपन भूल जाते हैं। इस कारण एक डायरी रखिए, जब भी आप एक आज्ञा पढ़ते हैं बाद में उसी आज्ञा से संबंधित प्रभु का वचन एक स्पष्टीकरण देता है उसको वहां पर नोट कीजिए। और जब आप एक आज्ञा पढ़ते हैं उस आज्ञा से संबंधित एक अनुग्रह यदि वहां पर दिया है या और कहीं दिया है नोट कर लीजिए। क्यों? इसके पीछे एक कारण है जो पिछले हफ्ते मैंने इंट्रोड्यूस किया था, आज फिर से बताना चाहता हूं। जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, ये आज्ञा का पालन जब हम करेंगे तब उसका परिणाम क्या होगा। यदि प्रभु का वचन इस बात को महत्व देता है तो हमें भी महत्व देना चाहिए। और यदि एक आज्ञा का कारण प्रभु का वचन बताता है क्योंकि, तो हमें भी उसको महत्व देना चाहिए। प्रभु के वचन में एक शब्द छोड़िए, एक अक्षर भी वहां पर व्यर्थ नहीं है, उसके पीछे कारण है। और जब हम प्रभु का वचन अपने बच्चों को सिखाते हैं तब हमें ये आदत डालनी चाहिए कि बेटे या बेटी को प्रभु के वचन की कोई भी आज्ञा हम सिखाएं तो यदि उसका कारण प्रभु का वचन देता है तो वो कारण हम उस बच्चे को सिखाएं। यदि उस आज्ञा को मानने के कारण किसी तरह का जीवन में अनुग्रह मिलता है तो बेटे बेटी को वो अनुग्रह भी बताएं। इस बात को मैं जोर देकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत आत्मिक बने, लेकिन जब हम उनको प्रभु का वचन सिखाते हैं तब हम ये चीजें भूल जाते हैं। लास्ट हफ्ते मैंने इसका उदाहरण दिया था। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं कि फलाना काम नहीं करना है। कारण क्या देते हैं? जीसस तुमको मारेंगे। ये बहुत 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 कॉमन एक स्टेटमेंट है जो मैंने सुना है। ऐसा नहीं करना, जीसस तुमको मारेंगे, जीसस तुमको सजा देंगे। अरे प्रभु के प्रति हमारा जो हम जो आज्ञा मानते हैं वो डर के कारण थोड़ी होना चाहिए। प्रभु के प्रति भय होना चाहिए, प्रभु के प्रति भय जरूर होना चाहिए, लेकिन हम प्रभु की आज्ञा जो मानते हैं वो प्रभु के प्रति स्नेह के कारण होना चाहिए। और प्रभु के प्रति मेरे आपके बच्चे के मन में स्नेह तब आएगा जब हम उसको
प्रभु के वचन से जो आज्ञा दे रहे हैं उसका कारण भी बताएं। यदि उससे जब हम उससे कहते हैं कि बेटा 10 आज्ञा याद करो, तो वो पूछता है कि 10 आज्ञा याद करें मम्मी डैडी मैं क्या करूंगा। तो उसको ठीक ठीक समझाइए कि बेटा ये आज्ञाएं याद करना इसलिए हमारे लिए अच्छा है क्योंकि नंबर 1 इसको प्रभु ने अपने स्वयं की उंगलियों से लिख कर दिया था। जरा सोचो प्रभु इसको कितना महत्व देते हैं, और यदि प्रभु कितना महत्व देते हैं तो हमको भी देना चाहिए बेटा। उसके बाद बच्चे के हिसाब से उसको समझाना जरूरी है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आज्ञा का उल्लंघन बड़ी चीज समझी जाती है, इसलिए भी बच्चे को कारण देकर समझाना जरूरी है। आज्ञा क्या है? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हम में से हर कोई कहेगा कि हाँ हाँ मैं तो डैडी मम्मी का बहुत आदर करता हूं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग करे कुछ भी अपने आप को यकीन दिलाने में बहुत उस्ताद हो गए हैं कि मैं सही कर रहा हूं। और इस कारण जब प्रभु का वचन कहता है अपने माता और पिता का आदर करना, तो हम में से लगभग सभी लोग अपने आप को यकीन दिला देते हैं कि हाँ हाँ बहुत आदर कर रहे हो, इससे ज्यादा आदर की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ईमानदारी से जरा अपने आप को मुड़कर देखना होगा। पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं। भारत के जो तीर्थ स्थान है जहां तमाम मंदिर है जिनमें अनाथ लोगों को रखा जाता है, इन मंदिरों में, इन शेल्टर्स में इस तरह के पुरुषों और स्त्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनके बच्चे अभी भी जिंदा हैं। यदि बच्चे जिंदा हैं, कमाते खाते हैं, तो माँ बाप किस तरह से ऐसी जगहों पर पहुंच गए। हिंदी की जो मुख्य पत्रिकाएं हैं, जो समाज में जो हो रहा है उस पर रोशनी डालती हैं, इनमें से कई पत्रिकाएं बार बार ये लिखती हैं कि आज कई लोगों की आदत बन गई है कि वे तीर्थ यात्रा पर अपने माँ बाप को ले जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर माँ बाप को ले जाकर किसी धर्मशाला या ऐसी जगह पर टिक जाते हैं। टिकने के बाद हम जरा बाहर तक होते आते हैं कह के सब एक एक करके निकल के चले जाते हैं। बूढ़े माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते कि वो गए तो अपना बोरिया बिस्तरा भी साथ में ले गए। शाम को जब बच्चे वापस नहीं आते तब उनको एकदम से ख्याल आता है कि सुबह वो लोग घूमने के लिए बाहर गए थे लेकिन सारा बोरिया बिस्तरा क्यों साथ में ले गए। ढूंढने ढांढने पर पता चलता है कि बच्चे माँ या बाप या दोनों को डिस्पोज करने के लिए लाए थे, फेंकने के लिए लाए थे। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां डिस्पोज बहुत ज्यादा होता है। आज से 50 साल पहले भारतीय घरों में कचरे का डब्बा नहीं होता था, आज बहुत सारे घरों में कचरे के डब्बे हैं। मैं आपसे यहां बैठकर बात कर रहा हूं, मेरे बगल में 2 कचरे के डब्बे हैं। क्यों? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और जब काम खत्म हो जाए तब फेंक दो, वो कल्चर हमारे सर पे चढ़कर बोल रहा है। हाँ, यदि मान लीजिए आपने अखबार के एक टुकड़े से जमीन पर पड़े हुए पानी को पोंछ लिया तो उसके बाद अखबार का वो पानी सोखा हुआ टुकड़ा आपके लिए बेकार है, उसको
जहां अखबार फेंके जाते हैं वहां फेंकना जरूरी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं समाज का जो बदलता हुआ नजरिया है उसकी बात कर रहा हूं कि आज भारत में तीर्थ स्थानों में ऐसे माँ और बाप की संख्या 10,000 में है जिनको बच्चों ने डिस्पोजेबल समझा, उपयोग करो, काम खत्म हो जाए तो फेंक दो, तब तक आदर दो जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो जाता, और प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया तो लात मार के घर से निकाल दो या कहीं तीर्थ स्थान पे ले जाके छोड़ दो, क्योंकि वहां पर कम से कम इस तरह के लोगों के लिए खाने की व्यवस्था हो जाती है। ये माँ बाप, मैंने बहुत चित्र देखे हैं, ये माँ बाप इन तीर्थ स्थानों में जहां दान में भोजन बांटा जाता है वहां जाकर हाथ फैलाकर बैठे हुए हैं कि कुछ भोजन मिल जाए। बच्चे खाते पीते घरानों के हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम के एक से एक बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, लाट साहब बनने का सपना देखते हैं, लेकिन माँ बाप को ले जाकर डिस्पोज कर दिया। ये जो ट्रेंड है अब काफी फैल रहा है, बुरी तरह से फैल रहा है कि तब तक आदर करो जब तक हमको कुछ फायदा हो सकता है, और फायदा जब खत्म हो जाए तब डिस्पोज कर दो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जानते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य का जो दिल है उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, और मनुष्य के दिल में असाध्य रोग लगा हुआ है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। चूंकि मनुष्य के दिल में असाध्य रोग लगा हुआ है इसलिए उस रोग के इलाज के लिए मनुष्य की सृष्टि के समय से परमेश्वर ने आज्ञाएं देना शुरू की, और जब परमेश्वर की के बच्चे कनान देश में जाकर सेटल हो गए तो जाकर सेटल होने से 40 साल पहले परमेश्वर ने लिखित रूप में दे दिया कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है, इसका कारण यह है, उसका कारण वो, और उसमें सबसे मुख्य एक आज्ञा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। इसके साथ एक बात और बताऊं, 10 आज्ञाओं में कई आज्ञाओं का कारण दिया हुआ है, लेकिन शायद एक यही आज्ञा है जिसके साथ एक प्रॉमिस जुड़ा हुआ है, और वो प्रॉमिस परमेश्वर की तरफ से वाचा है, जिससे जो देश परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन रहने पाए, मतलब तू दीर्घायु हो और तेरे जीवन में अनुग्रह हो। इसके बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों से लगभग 2,500 या उससे ज्यादा किलोमीटर दूर दक्षिण भारत के केरल में बैठकर ये संदेश दे रहा हूं। केरल पिछले 50 सालों से देश का सबसे अधिक शिक्षित प्रदेश है, लगभग आज से लगभग 50 साल हो गए, 50 साल पहले ये डिक्लेयर कर दिया था सरकार ने कि यहाँ पर 100% साक्षरता है, मतलब 100% लोग साक्षर हैं। उस साक्षरता के कारण केरल में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, उनमें से एक नियम ये बताता है, या उस वो नियम, यदि कोई कमाता खाता बेटा या बेटी, मतलब यदि सिर्फ बेटी हो तो बेटी, बेटे हो तो बेटे, यदि वे अपने माँ बाप को घर के बाहर निकाल देते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। कई बार पुलिस वाला बुलाकर डांट डपट के कि बंद कर दूंगा यदि माँ बाप को घर वापस नहीं लाए, तो लोगों को समझ में आ जाती है। केरल में पुलिस वालों का काफी ज्यादा आदर होता है, बहुत इज्जत होती है,
बेहद पढ़े लिखे लोग पुलिस में जाते हैं और वे लोग जो बात करते हैं तब ऐसा लगता है जैसे कोई एमएससी वाला या एमबीए वाला बात कर रहा हो, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग बीएससी, एमएससी और एमबीए हैं। अक्सर पुलिस वाला बुला के बस बोल देता है और लोग माँ बाप को ले आते हैं, लेकिन यदि माँ बाप के विरुद्ध ये उपेक्षा चलती रहे तो उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, किया जा सकता है, किया जाता है। अक्सर मैं ऐसे खबर पढ़ता हूँ। साक्षरता का फायदा केरल में इतना हुआ कि सरकार ने इस तरह के कई नियम बनाए हैं जिनके कारण यदि कोई अपने माँ बाप की उपेक्षा करे, उनको प्रताड़ना दे, तो उसका फल उस व्यक्ति को मिलेगा। अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि माँ बाप को आदर दिलाने के लिए सरकार को आने की क्या जरूरत है? क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जिस माँ ने 9 महीने आपको पेट में रखकर हर तरह की असुविधा सही, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने माँ का आदर करें? ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, माँ ने पेट में डाल के माँ चलती थी, रहा होगा पेट में। इसका कारण यह है कि हम लोगों के बीच में वैज्ञानिक जानकारी बहुत कम है। आज से लगभग 40 साल पहले मैं अपने जो हमारे जो डॉक्टर हैं घर के बगल में हमारे मित्र हैं उनके क्लिनिक में गया तो एक गर्भवती माँ के पेट के अंदर की स्थिति को उन्होंने चित्र में दिखाया था। देख के रोंगटे खड़े हो गए कि बच्चा जब 8 महीने का हो जाता है तब वो इतनी जगह घेरता है, वो और उसके चारों तरफ जो द्रव है वो इतनी जगह घेरता है कि माँ की छाती से लेकर सबसे नीचे तक कहीं 1 इंच जगह खाली नहीं होती है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं खाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लिया जाए तो कैसी हालत होती है, सांस घुटने लगता है। पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पी लिया तो क्या होता है, सांस घुटने लगता है। उसकी तुलना में वो महिला जो आपको 9 महीने पेट में हर जगह ले गई, उसका कटआउट चित्र कभी आपको देखना चाहिए। 1 इंच जगह नहीं बचती है, लेकिन खुशी खुशी उस माँ ने ये किया आपके लिए। उसके बाद शुरू के 3 साल उस माँ के साथ एक बिस्तर पर वही टट्टी, वही पेशाब, वही उल्टी सब किया। माँ ने कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। उसके बाद कितने साल आपको पाला, आपके लिए सब कुछ किया, उस माँ को ले जाकर सड़क पर छोड़ देना कैसी कृतज्ञता है। वो बाप जो सुबह से शाम तक गधे के समान काम करता था, क्यों? इसलिए कि इनकम बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन काम करता था खुशी खुशी जिससे कि आपको एक अच्छे स्कूल में भेजा जा सके, आपको कॉलेज में भेजा जा सके, आपके बदन पर कपड़ा हो, वो भी अच्छा कपड़ा हो। और जब वो बाप बूढ़ा हो जाए तब जिस तरह से लोग बूढ़े जानवरों को घर के बाहर हांक देते हैं, उसी तरह से आप उसको हांक दें या ले जाकर किसी तीर्थ स्थान में छोड़ आए, तो ये उस बाप के विरुद्ध कैसी कृतज्ञता है। लेकिन प्रभु का वचन इस बात को जानता है, प्रभु इस बात को जानते थे कि धीरे 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 मनुष्य अपने जीवन में जो स्नेह है, जो आदर है, दूसरे की सुरक्षा के प्रति प्रभु के द्वारा दी गई जिम्मेदारी है, मनुष्य उसको भूलने लगेगा, भूल जाएगा। आज हम 21वीं शताब्दी में एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मनुष्य भूल चुका है। आज सारे हिंदुस्तान में वृद्ध आश्रमों की भरमार है। मैं
दो तीन हिंदी पत्रिकाएं नियमित रूप से पढ़ा करता हूँ, साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं हूँ यहाँ तो कोई हिंदी तो बोलता नहीं है, तो अपनी हिंदी मेंटेन करने के लिए ये साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता हूँ। इन पत्रिकाओं में जो प्रश्नोत्तर कॉलम होता है उसमें अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं, कोई वृद्धाश्रम का पता बता दीजिए जहां जाके मैं रहने लगूं, मेरे बच्चे मेरी उपेक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां माँ बाप की अवहेलना हो रही है, 21वीं शताब्दी में बहुत अवहेलना हो रही है। प्रभु इस बात को जानते थे, इसलिए प्रभु ने अपने वचन में लिखा, ये आज्ञा दी कि अपने अपनी पिता और माता का आदर करना। उसके साथ साथ एक बात मैं बताना चाहता हूं, मैंने प्रभु के वचन में जो बात है वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि दीर्घायु मिले तो अपने माँ बाप का आदर करना कभी ना भूलें। आप कहेंगे कि दीर्घायु से आपका मतलब 100-125 साल जीने की बात है क्या? जी नहीं, प्रभु का वचन जब दीर्घायु शब्द का प्रयोग पुराने नियम में करता है तब सिर्फ उम्र मात्र से तात्पर्य नहीं है। जब प्रभु का वचन कहता है प्रभु तुमको दीर्घायु करे, तो उसका मतलब यह है कि प्रभु तुमको दिन प्रतिदिन अनुग्रह दे, जिससे कि जो देश प्रदेश भवन प्रभु ने तुमको दिया है उस भवन में तुम बहुत दिन तक रहकर प्रभु की तरफ से हर तरह के अनुग्रह का अनुभव कर सको। तो इसलिए जब यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जो देश परमेश्वर यहोवा तुझको देता है उसमें तू बहुत दिन रहने पाए, तो उसका मतलब यह है कि प्रभु तुमको धन धान्य शांति खुशी से भरपूर करे और इन चीजों का आनंद बहुत दिन ले सको। कनान अनुग्रह से भरा हुआ देश था। कनान के बारे में कहते हैं कि वहां पर शहद की नदियां बहती थी, दूध की नदियां बहती थी, जिसका मतलब है जो कुछ उनको चाहिए था सब कुछ उपलब्ध था। और यदि नदी बहती है तो उसका मतलब है सी नदी का पानी कभी भी कोई पी के खत्म नहीं कर सकता है। उसी तरह से धन धान्य इतना अधिक है कि आप कभी भी उस धन धान्य को खत्म नहीं कर सकते, इतना बचा रहेगा कि खाओ पियो और उसके बाद बाकी जो है गरीबों लाचारों को परदेशियों को दान कर दो। ये है वो देश जो परमेश्वर उनको देना चाहते थे। लेकिन उस देश में भी इस बात की संभावना थी कि माँ और बाप का आदर करना वे लोग भूल जाएं, इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है। आज जो लोग प्रभु का संदेश सुन रहे हैं उन सब से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके माँ आपकी माँ आपके फादर उनके प्रति आपका व्यवहार किस तरह का है? मैंने बहुत देखे हैं, माँ बाप को एक कमरे में बंद कर देते हैं, बाहर आना मना है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां माँ बाप से बात करते हैं तू तड़ाक से। इसका असर हमारी युवा पीढ़ी पर होने लगा है। युवा पीढ़ी जब अपने दादा दादी अपने नाना नानी के बारे में बोलते हैं तो ऐसे बहुत बच्चों को मैंने देखा है नाना जी नानी जी बोलने के बदले सीधे सीधे बोल देते हैं बूढ़ा बुढ़िया। दादा दादी को दादा दादी बोलने के बदले बूढ़ा बुढ़िया। यदि दादाजी ने या नाना जी ने जो साथ रहते हैं उन्होंने कहा बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, तो जाके माँ से कहते हैं मम्मी मम्मी डुकरा पानी मांग रहा है, बूढ़ा पानी मांग रहा है। सुना है क्या आपने?
मैंने बहुत सुना है। दो तीन कारण है। एक, मेरी उम्र ऐसी है, मैं बहुत जल्दी ही 3 साल में 70 का हो जाऊंगा, तो जीवन के 66 से अधिक साल देख लिए हैं, इस कारण आप में से कई लोगों की तुलना में अनुभव ज्यादा है। दूसरा कारण यह है, मैं हमेशा अपने कान खोल कर रखता हूं, कहीं भी जाता हूं, कहीं भी बैठता हूं, तो आसपास जो घटनाएं होती हैं वो किसी भी तरह से मुझसे छिपी नहीं रहती हैं। शायद एक वक्ता होने के कारण, शायद प्रभु का वचन सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए प्रभु ने ये विशेष प्रकार का श्रवण दिया है कि मैं कहीं किसी भी घर में बैठा हूं, वहां यदि पति जोर से बोल रहा है, पत्नी जोर से बोल रही है, बच्चे जो है एक दूसरे को नालायक कह रहे हैं, बच्चे मम्मी से झगड़ रहे हैं, पापा से झगड़ रहे हैं, तू मैं हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, सब मेरी नजर में पड़ जाता है। ताज्जुब की बात है कि ना केवल हिंदुस्तान में, मैं जैसा भाइयों ने याद दिलाया था, मैं स्टडीज के लिए यूएसए गया था, लगभग 6 महीने मैं अमेरिका में रहा था, काउंसलिंग में अपनी पढ़ाई से, पीएचडी के लिए नहीं, काउंसलिंग की पढ़ाई के लिए मैं 6 महीने अमेरिका रहा था। तब वहां पर भी कई परिवारों में यही बात मैंने नोट की, वे लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, बोलने चालने का तरीका अलग है, एक्सप्रेशन अलग है, लेकिन वहां पर भी ये बातें मुझसे छुपी नहीं रही, और इस कारण मैं बहुत भय के साथ, जो लोग सुन रहे हैं उन सबको बहुत भय के साथ याद दिलाना चाहता हूं, प्रिय भाई बहन, हमने अपने आप को यकीन दिला दिया है कि हम पवित्र हैं, हम भक्त हैं, लेकिन शायद हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनमें बदलाव आना जरूरी है, जिनमें से जिसमें से एक है माँ बाप के प्रति जो भय है, जो भक्ति है, जो आदर है। मैं एक कहानी के साथ इसको क्लोज करना चाहता हूं। एक परिवार था बेहद गरीब, इतना गरीब कि पिताजी लगभग अध नंगे रहते थे, लेकिन इस गरीबी के बीच में उन्होंने अपने बेटे को जम कर पढ़ाया लिखाया, कुछ काम का बनाया और उसकी नौकरी लग गई, बहुत ऊंचे पोजीशन में नौकरी लग गई। जब ऊंचे पोजीशन में नौकरी लगी तो उसी हिसाब से उसकी शादी हुई। चूंकि बहुत ऊंची नौकरी पे था तो उसने शादी से पहले एक अति विशाल मकान बनवा दिया था, अट्टालिका। शादी के बाद जब उसकी पत्नी घर आई, कुछ दिन के बाद पति पत्नी ने डिसाइड किया कि सबसे बड़ा कमरा हम ले लेंगे, पापा को छोटे कमरे में भेज देंगे। ऐसे ही हुआ। कुछ दिन के बाद बड़े बेटे ने कहा कि, मुश्किल से 6 साल का होगा, बड़े बेटे ने कहा कि वो कमरा मुझे चाहिए, तो पापा को और आगे बढ़ा दिया। इस तरह से पापा को फिर बेटी के लिए हटाया, हटाते 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 सीढ़ी के नीचे पहुंचा दिया। सीढ़ी के नीचे रहकर भी बूढ़े ने कभी कंप्लेंट नहीं किया। एक दिन पुत्र को लगा कि बाप रे, पापा जिस बर्तन में खाते हैं वो बहुत गंदा हो जाता है, तो पुत्र ने डिसाइड किया कि मिट्टी के बर्तन ले आते हैं, पापा को मिट्टी के बर्तन में खिला दिया करेंगे और 2-3 दिन के बाद मिट्टी का बर्तन फेंक देंगे। तो पापा मिट्टी का बर्तन खरीदने गए। बेटे ने बड़ी ईद की कि पापा मुझे भी ले चलो, तो कार में गए थे तो छोटे बेटे को बैठा लिया। जहां मिट्टी के बर्तन मिलते थे वहां गए तो पता चला कि अब कोई उसका उपयोग नहीं करता,
वहां से उसने आगे का बताया, फाइनली शहर से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में पहुंचे जहां पर मिट्टी का बर्तन मिला। तो उस सज्जन ने एक दर्जन मिट्टी के बर्तन खरीद लिए जिसमें अपने बाप को खाना दिया जाए। बेटे ने पूछा कि पापा ये इतने सारे मिट्टी के बर्तन ये काहे के लिए है? तो पापा ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादाजी को खाना देने के लिए है। तो उसने कहा कि दादाजी को प्लेट में देते हैं। तो पापा ने कहा दादाजी प्लेट बहुत गंदा कर देते हैं, दादाजी बूढ़े हो गए हैं, प्लेट गंदा कर देते हैं, इस कारण अब दादाजी को मिट्टी के बर्तन में देंगे। तो बेटा बोला पापा फिर एक काम कीजिए, उतने बर्तन और खरीद लीजिए। पापा ने कहा कि 12 बहुत है बेटा, और 12 काहे के लिए? तो बोला सुबह से आप मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए परेशान हो रहे हैं, कल को जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपको देने के लिए मुझे मिट्टी के बर्तन की जरूरत पड़ेगी, तब मैं ये चक्कर का इतने दूर मुझे आना पड़ेगा, इसलिए अभी से ले लेते हैं। हम अपने माँ बाप को जो आदर देते हैं सब लोग देखते हैं, ना केवल दीर्घायु, उसके द्वारा हमारे बच्चे सीखते हैं, हमारे पड़ोसी देखते हैं। माँ बाप को दुत्कारने के बाद पड़ोसी से प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बोले वो क्यों सुनेगा? आज संध्या को प्रभु ने अपने वचन से जो बात बताई है मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे, हम जो उनके सामने नमूना रखेंगे बच्चे उससे दो गुना आगे बढ़कर करेंगे। आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सब से मेरा अनुरोध है, इस डिपार्टमेंट में मेरी आपकी क्या सोच है, किस तरह से हम सोचते हैं, क्या करते हैं, इन बातों को अच्छी तरह से सोचने समझने और प्रभु का वचन जो आज्ञा देता है उसके अनुसार अपने माँ बाप को जो आदर देना है वो देने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।